तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ उत्तराखंड की कोर टाइगर टेरिटरी गांव कूपी विलेज से। जैसा कि हमारा जो चैनल है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है और हम इस टाइम एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम जो कोर टाइगर टेरिटरीज हैं जहाँ पे टाइगर का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है, जहाँ पे टाइगर दिखता ही रहता है दिन हो चाहे रात हो, और गुर्राहट की आवाज़ भी आती है और सब कुछ होता है, कॉलिंग भी होती रहती है। तो हम उन गाँवों में जा रहे हैं और अपना स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, और जो जैसे गांव वाले वहाँ टाइगर टेरिटरीज में रहते हैं ऐसा हम भी रहने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियोस देखना आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहा होगा। अभी हमारा डिनर का टाइम हो चला है तो अभी हम जंगल में हम डिनर बना रहे हैं। ये हमारी पुराने टाइम की रसोई है, वैसे तो हमारा चूल्हा बाहर की तरफ था लेकिन हमने इस चूल्हे को आज अंदर की तरफ मूव कर लिया है। जैसा बरसात भी थी और कल रात से यहाँ पे जब से टाइगर की मूवमेंट हुई है गाँव के अंदर थोड़ा सा चीज़ें बदली भी हुई हैं, चीज़ें काफ़ी खतरनाक सी भी हुई हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते थे बाहर ओपन में हम लगी यू नो डिनर बनाए अपना, तो इसलिए हमने अंदर मूव कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जैसे कि यहाँ तो जैसे ही शाम होती है रात होती है और यहाँ तो चीज़ें अपने आप में ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और कॉलिंग तो यहाँ ऐसा है कि कॉलिंग तो 100% होती ही है मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि बरसात काफी लगी हुई थी तो हमने जो अपना बाहर वाला चूल्हा था इसको यूज ना करके अंदर वाला चूल्हा यूज किया है आज, बीच बीच में गाड़ी की लाइट जला के, एरिया की स्कैनिंग भी हो जाती है। आज जानबूझ के हमने डिनर थोड़ा लेट किया है क्योंकि आज यहाँ पे कुछ अजीब सी वाइब्स भी हैं। जब से कल से वो हिरणों का झुंड अंदर आया है ना, ऐसा आवाज भी आ रही है, मतलब गुर्राने की सी आवाज भी आ रही है बीच बीच में। तो हम चाहते भी नहीं थे कि आज हम मतलब हमारा जो लेट है, अगर लेट तक डिनर बने तो घर में मतलब अंदर ही बने, बाहर की तरफ ना आए हम। दोस्तों ये है हमारी कम से कम 100 साल पुरानी, इतनी लाइफ तो लगती है गिरिजी इसकी नहीं, 100 साल पुरानी तो है। 100 साल पुरानी रसोई, न जाने कितने मतलब कितनी फैमिलीज यहाँ से पास ऑन हुई हैं इस रसोई में खाना बना के। हमारे बुजुर्गों का यही हुआ ना। अच्छा ये हाथ से बनाना, ये चकला बेलन तो आप हुए? अच्छा जंगल में कैसे रहते हैं, क्या करते थे करके, ये उनकी एक्चुअल कहानी है। हाथ से रोटी बनाना, वो करना, ये सिद्ध खाना हुआ है। दोस्तों गिरी जी की उम्र अगर हम बात करें तो अराउंड 57 के आसपास है, तो काफी उम्र है गिरी जी की भी, काफी एक्सपीरियंस है। जंगल में ही जन्म हुआ, जंगल के एरियाज में ही जन्म हुआ। हमने फिर... तो बचपन से ही जंगल में सारे दिन काटे, सारे एक्सपीरियंस है। जंगल में मुसीबत आ गई तो किस हिसाब से रहते हैं, कैसे करते हैं, बर्तन नहीं भी हुए फिर भी हम चला लेते हैं काम। दोस्तों मिला जुला ये हमारा एफर्ट चल रहा है। अभी हमने आलू की सब्जी बनाई है, आलू की सब्जी खाली तरी वाली। हाँ अब हम बना रहे हैं पानी की रोटी। पानी की रोटी पसंद आती है हमें यहाँ खाना जंगल में, यही हुई असली। तो गिरी जी जैसे आपका जन्म हुआ था तो मतलब जैसे ये तो बाघ के एरिया में ही था, आपका एरिया भी ऐसा है कि जहाँ टाइगर लेपर्ड वगैरह की बहुत ज्यादा मूवमेंट रहती है। आपके एरिया में मैंने काफी बार लेपर्ड्स भी देखे, हम दोनों नहीं देखे बल्कि, और टाइगर भी आप बताते हैं कि टाइगर भी मतलब देखा जाता टाइम टाइम पे। कभी कभार टाइगर भी दिख जाता है। वहाँ तेंदुए आ गए ना, तीन तीन चार चार इकट्ठे रहते हैं वो भी बड़े बड़े, वो भी बड़े बड़े हैं, तें वो शेर के बराबर तेंदुए हैं। अब उसकी मूवमेंट कम हो रही है वहाँ। गिरी जी आपने तो वाकई में जंगल में काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है। आप तो पहले गिरी जी पहले भेड़ पालकों के साथ भी रहते थे, जंगलों में रुकते थे? उनके साथ भी रहा मैं, जंगलों में जो ये भूतिया होते हैं ना। हाँ उनके साथ भी, वो तो घनघोर जंगल में रहते हैं और भी खतरनाक है, ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो लाइट भी नहीं कुछ नहीं, अंधेरे में ही काम करना है, ऐसे ही चूल्हा जला देते हैं। हाँ ऊँटा वाला बस।
तो वो जंगल में सोते हैं, वो तो जंगल में ही सोते हैं, वो तो घनघोर और खतरनाक जंगल होता है। लेकिन गुरुजी उनपे लग तैयारी तो पूरी होती है, कुत्ते घोड़े। हाँ कुत्ते होते हैं, कुत्ते उनके फैल जाते हैं ना चारों तरफ। अच्छा बस उनकी नजर रहती है, जो वो रात की ड्यूटी कुत्ते की हुई पूरी, वो तो खुद सो जाते हैं बेफिक्र। कुत्ते करते हैं रात को पूरी ड्यूटी, चुपे रह रही कितनी होती है। उनका भी यही हुआ रोल, सेम जो आप हम कर रहे हैं ना, हम लोग यही रोल है उनका, ऐसे रोटी बनाना वो करना। जंगल की जिंदगी लाइक खतरनाक तो है, लेकिन अपने आप में एक फन भी चलता रहता है। हाँ हाँ आदमी अपना सही उसमें रहता है। तो उनके साथ भी डर हुई, बाघ और वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन कुत्ते हुए ना। हाँ कुत्ते की वजह से कुछ नहीं करते हुआ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद गिरिजी के मुंह से सुन सकते हैं कि जंगल की जिंदगी खतरनाक बहुत है, लेकिन एक अलग ही थ्रिल, एक अलग ही जज्बा अंदर से चलता रहता है जो मोटिवेशन देता रहता है। गिरिजी कल से जब से वो खुशबू सी आई है ना, कल से माहौल यहाँ पे माहौल बदल गया, कल से यहाँ माहौल बदल गया, मूवमेंट हुई ना उसके अंदर को। हम तो 10 मीटर या 7-8 मीटर के करीब में होगा वो कल। हाँ कल जितने खुशबू आ रही थी ना। हाँ उसी हिसाब से बहुत ही नजदीक था, कॉलिंग भी नजदीक हो रही थी, खुशबू भी आ रही थी बहुत तेज। हाँ भागने की कॉलिंग थी ना वो, लास्ट की कॉलिंग तो वो ये लगाओ किल की कॉलिंग होगी। हाँ वो लास्ट में तो किल कर दिया था उसने ना। तभी तो जंगल में पता खतरा बनते रहते हैं, लेकिन कल तो खतरनाक ही हो गया था। दोस्तों ऐसा लगता है कि सिचुएशन आज थोड़ी हाँ, बाकी दिनों से अलग है, यहाँ एक डर है यहाँ आज हवा में। कॉलिंग तो दिन सुबह भी हुई। हाँ कॉलिंग तो खैर यहाँ कभी भी हो रही है, वो डर वाली कॉलिंग थी ना उनकी, देखा है वो आंखों से। हाँ हाँ भागते रहेंगे इधर उधर, अब उनके चक्कर में वो भी घुसेगा ना यहाँ, जब वो उनका उन्होंने अपना यहाँ अड्डा डाल दिया, वो यहीं रहेगा। अब वो भी यहीं रहेगा फिर, अंदर ही गांव में। ऊपर कौन जाएगा, अब वो ऊपर नहीं जाएगा, 2-4 दिन कम जाएगा ना, प्लांट है वो। हाँ। फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना कि कालू जो ये थान सिंह जी का डोगी है, ये 2 दिन से आया नहीं था, तो ये किसी गांव वाले के घर में ही रह रहा था, आ गया वापस आज। आज तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब एक्टिवेटेड है, कभी किधर भाग रहा है कभी किधर भाग रहा है, क्योंकि इसको टाइम टाइम पे खुशबू सी आ रही है, जैसे जैसे हमें टाइम टाइम पे गुर्राहट आ रही है ना, इसको मानो खुशबू आ रही है। दोस्तों हमारा जंगल का खाना हो गया है तैयार, अब बस रोटियों पे मक्खन लगा के खाना हो जाएगा कंप्लीट। सब्जी हमने पहली बना ली थी आलू की, और दाल भी रखी है हमने जो दोपहर को बनाई थी। मज़ा आ जाएगा खाने में फ्रेंड्स, खाना बहुत टेस्टी बन रहा है, जंगल में भी खाना हम बेहतरीन खा रहे हैं, सिंपल यट टेस्टी। और ये अपने आप में ही थ्रिल है, हम रसोई में बैठ के खाना बना रहे हैं, बाहर शेर की गुर्राहट हो रही है। वो अभी कालू भी भागा था ना पीछे। हाँ हाँ अभी कालू भी भाग के गया था ना, खुशबू सुन रहे होंगे। खुशबू तो बड़ी दूर से सुन रहे थे। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहाँ पे कॉलिंग की आवाज़ तो आती है, लेकिन टाइगर की आवाज़ भी आती है इस गांव में। 2 दिन से तो बारिश हो रही थी तो हम इतना सुन ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आवाज़ है, 2-3 बार अभी आवाज़ आई है, आज आवाज़ है। क्लियर आवाज़ है, क्लियर आवाज़ है, क्लियर आवाज़ है, क्लियर आवाज़ है।
तो बहुत ही कुछ ज्यादा पास से है, पास से है, पास से है। तो कॉलिंग हो रही थी, आज आ रही है आवाज, आवाज तो आज आ रही है ढंग से। आज सिचुएशन खतरनाक, खतरनाक आवाज, खतरनाक। को आवाज तो क्लियर आ रही है, खुशबू तो कहने ना, आवाज तो है, आवाज तो क्लियर है। टॉर्च मारने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि उल्टा कोई चीज हमारी तरफ ही ना एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों यही आवाज पिछले कम से कम 1 से 1.5 घंटे से गूंज रही है। सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और हम ये आवाज कम से कम 2.5-3 से सुन रहे हैं इसको। तीसरी बार आवाज आई थी इस बार, हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में एक बार ऐसी दहाड़ सी हो रही है ना। ये अब मुझे लग रहा है आवाज तो प्लांट प्लांट की साइड से ही आ रही है, ऊपर से है आवाज, ये भी ऊपर से आ रही है आज, ये अंदर से नहीं है, गांव के अंदर से नहीं है आवाज ये। माहौल आज दिन भर में भी आवाज मतलब ऐसी तो आवाज धीरे धीरे, मेरे को तो आवाज पहले भी इक्का दुक्का तो पहले भी आ रही थी ये आवाज, लेकिन हल्की थी वो, अब है, अब पावरफुल है आवाज। फ्रेंड्स फिर से आती है, मैं फिर से सुनाता हूँ आपको, वेट करते हैं, वेट करते हैं। दोस्तों जैसा भी आपने देखा यहाँ कल रात का मंजर, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो यहाँ कल रात हुआ, जैसे आवाज़ें कल रात हुई, ये एक रोज़ की बात नहीं है कि सिर्फ ये कल ही हुआ है। दोस्तों यहाँ ऐसा हर रोज़ होता है, हर रोज़ कॉमन है ये चीज़ यहाँ के लिए। यहाँ पे टाइगर की आवाज़ आना, यहाँ पे मतलब बस इंसान आके बैठ जाए और बिल्कुल सुने तो दिन भर में उसे 10 से 20 बार ही आवाज़ आ जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा भी आवाज़ आ जाएगी। और कॉलिंग तो यहाँ बिल्कुल कॉमन है। थोड़ी देर शांत खड़े होके अगर यहाँ आवाज़ सुनी जाए ना जंगल की, तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी कि जो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग भी होंगी और डरावनी भी होंगी, मूवमेंट्स भी होंगी, मतलब उन आवाजों के साथ मूवमेंट्स भी होंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, चैनल के साथ बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आता ही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी रसोई, अपने लंच बनाने की शुरुआत
करेंगे फ्रेंड, यहाँ तो इधर उधर देखो ना तो कोई इंसान तो दिखता ही नहीं, एक अलग सी खामोशी और बीच बीच में टाइगर की रोर। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।